नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभी और आप देख रहे हैं टेक अनबॉक्सिंग। एंड यस गाइस, फायरबोल्ट की एक बहुत ही बढ़िया स्मार्ट वॉच लॉन्च हो चुके नए लुक एंड फील के साथ, जो है फायरबोल्ट कोलाइड। एंड गाइस आप देख सकते हो काफी मैसिव सा बॉक्स पैकेजिंग यहां पे आपको देखने मिलता है। एंड गाइस अगर मैं बॉक्स कंटेंट्स की बात कर रहा हूं, तो बॉक्स के अंदर यहां पे वो एक्चुअल स्मार्ट वॉच, उसी के साथ काफी बड़ा सा यूजर मैनुअल, नीचे की तरफ मैग्नेटिक चार्जिंग केबल, एंड फाइनली यहां पे आपको कुछ कूपन्स भी देखने मिलते हैं। सो वैसे गाइस वीडियो में हर एक एस्पेक्ट के बारे में यहां पे हम डिस्कस करेंगे। एंड अगर आप सोच रहे हो इस स्मार्ट वॉच को परचेस करने के लिए, तो वीडियो को पूरी तरीके से देखिए, क्योंकि कुछ ऐसे फैक्टर्स है जिन्हें जानना बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है। एंड यस गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप फर्स्ट टाइम हो टेक अनबॉक्सिंग चैनल पे, तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वैसे गाइस इस स्मार्ट वॉच का जो लुक एंड फील है ना, काफी प्रीमियम यहां पे निकल के आता है। बिल्ड यहां पे आपको पॉलीकार्बोनेट की कंप्लीटली देखने मिलती है, एंड आगे की तरफ यहां पे उन्होंने एक गोल्डन रिम भी प्रोवाइड किया, जिसकी हेल्प से ना स्मार्ट वॉच को बहुत ही अमेजिंग लुक एंड फील देखने मिलता है। सिलिकॉन स्ट्रैप्स आपको देखने मिलते हैं, जहां पे उन्होंने टेक्सचर प्रोवाइड किया, एंड ये जो स्ट्रैप्स है ना कंप्लीटली रिप्लेसेबल है। साइड में यहां पे आपको पावर ऑन बटन, एक माइक देखने मिलता है, लेफ्ट हैंड साइड पे यहां पे स्पीकर, एंड पीछे की तरफ सेंसर्स एंड चार्जिंग पॉइंट। एंड यहां पे उन्होंने IP68 का रेटिंग प्रोवाइड किया है। गलती से पानी में गिर जाता है, टेंशन मत लीजिए, बट IP68 रेटिंग होने के बावजूद यहां पे आपको स्विमिंग का वर्कआउट मोड देखने नहीं मिलता। बट फिर भी क्या इतनी बड़ी घड़ी पहन के कोई स्विमिंग के लिए जाएगा? सो गाइज, नो डाउट लुक एंड फील इस स्मार्ट वॉच की बहुत ही बढ़िया यहाँ पे निकल के आते हैं। हालांकि गाइज स्मार्ट वॉच है ना, रिस्ट पे बहुत ही ज्यादा बल्कि यहाँ पे फील होती है। डिस्प्ले की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे आपको 1.32 इंच का रेटिना लेवल डिस्प्ले उन्होंने प्रोवाइड किया, जिसका रेजोल्यूशन निकल के आता है 360x360। एंड गाइज ये पहली ऐसी स्मार्ट वॉच है जो आपको देखने मिलते हैं स्क्वायर डायल में, बट डिस्प्ले यहाँ पे आपको राउंड देखने मिलता है। फर्स्ट ग्लांस में ना मुझे लगा यार ये जो डिस्प्ले एमोलेड डिस्प्ले, बट अनफॉर्चुनेटली एमोलेड डिस्प्ले नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑलवेज ऑन का फीचर देखने नहीं मिलता है। बट रेजोल्यूशन काफी बढ़िया निकल के आता है। ब्राइटनेस की अगर मैं बात करो, तो 500 निट्स की ब्राइटनेस है। इंडोर्स एंड आउटडोर्स बहुत ही बढ़िया ब्राइटनेस यहाँ पे आपको देखने मिलेगी। एंड यस, यहाँ पे बेजल्स की अगर मैं बात करूँ ना, तो काफी थिक बेजल्स आपको देखने मिलते हैं। बट गाइस जो वॉच का लुक एंड फील है ना, उस हिसाब से मुझे बहुत ही अमेजिंग इसका डिस्प्ले एंड इसका ओवरऑल लुक लगा। एक चीज है कि डिस्प्ले जब ऑपरेट करते तो टच प्रॉपरली नहीं होता, थोड़ा डबल टच कभी कभी करना पड़ता है। एंड यस गाइस, यहाँ पे आपको ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर भी देखने मिलता है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली कॉल प्लेस करते हैं साउंड क्वालिटी सुनने के लिए। कॉल प्लेस हो चुका है। हेलो, यस मिस्टर बाबा, कैसे हो? एकदम बढ़िया सर, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया। अच्छा, मेरी साउंड कैसी आ रही है? साउंड एकदम क्लियर आ रही है सर आपकी। ओके ओके, तुम्हारी तो बहुत ही ज्यादा लाउड मुझे यहाँ पे सुनने मिल रहा है। सो ओवरऑल मतलब मैं वॉच से बात कर रहा हूँ, तो मतलब साउंड ट्रांसमिशन रिसेप्शन मुझे तो बढ़िया लग रहा है, आपको कैसे लग रहा है? बहुत बढ़िया आ रहा है सर आपका वॉइस। चलो चलो बढ़िया, मतलब स्मार्ट वॉच इंडोर एंड आउटडोर कॉलिंग के लिए आप फॉर श्योर यूज कर सकते हो। यस सर। यस सर बोल रहे हैं, चलो ठीक है, थैंक यू। उसी के साथ यहाँ पे आपको AI वॉइस असिस्टेंट का फीचर भी देखने मिलता है। बस आपको उसके मेन्यू में जाना है एंड यहाँ पे टैप करना है व्हाट्स द टेम्परेचर आउटसाइड। मुंबई में इस समय 37। मुंबई में इस समय 37। ओके, उसके अलावा गाइज यहाँ पे आप कॉल भी प्लेस कर सकते हो, कॉल टीम टेक अनबॉक्सिंग। टेक अनबॉक्सिंग मोबाइल, कॉलिंग वाला जो वर्ड है वो यहाँ पे मिस हो चुका है। एंड यस, यहाँ पे आप देख सकते हो कॉल जो है डायरेक्टली यहाँ से ही प्लेस हो चुका है। एंड यस, रिंग हो रहा है, तो यहाँ पे मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ। सो गाइस, AI वॉइस असिस्टेंट की हेल्प से यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन भी ले सकते हो, कॉल भी प्लेस कर सकते हो, एंड स्पीकर वाला पार्ट भी बहुत ही अमेजिंग निकल के आता है। हेल्थ ट्रैकिंग पैरामीटर्स की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे आपको कंटिन्यूस हार्ट रेट मॉनिटरिंग, SpO2 मॉनिटरिंग, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग एंड स्ट्रेस मॉनिटरिंग भी उन्होंने प्रोवाइड किया है। एंड यस गाइस, यहाँ पे इंटेंसिव टेस्ट तो बनते हैं, तो यहाँ पे हमने टेबल पे इसे प्लेस किया था। एंड आप देख सकते हो हार्ट रेट हो गया, SpO2 हो गया, या फिर ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग हो गया, यहाँ पे आपको कोई भी एज सच रीडिंग देखने नहीं मिलती। उसके अलावा गाइस यहाँ पे आपको 70 वर्कआउट मोड्स इसके अंदर देखने मिलते हैं। एंड यहाँ पे टेस्ट करने के लिए हमने आउटडोर वॉकिंग का जो वर्कआउट मोड है ना, उसे ट्राई किया था। स्मार्ट वॉच के ऊपर है ना काफी बेसिक सी इंफॉर्मेशन आपको देखने मिलती है, ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सकती थी बट नहीं देखने मिलती। उसके लिए आपको जाना है एप्लीकेशन के अंदर। एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पे आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन देखने मिलेगी एंड हार्ट रेट भी आपको देखने मिलेगा चार्ट फॉर्म में। सो गाइस, आप इसे एज अ फिटनेस ट्रैकर यूज कर सकते हो, बस एक चीज ध्यान में रखना, स्विमिंग का वर्कआउट मोड आपको देखने नहीं मिलता। एंड यस गाइस, उसी के साथ डायरेक्टली हम बढ़ते हैं स्मार्ट वॉच के UI की तरफ। सो गाइस, सबसे पहले यहाँ पे आपको होम स्क्रीन देखने मिलता है एंड बस यहाँ पे आपको टैप करके प्रेस करके रखना है। एंड फिर यहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट वॉच फेसेस है ना, उन्हें आप डायरेक्टली यहाँ से ही चेंज कर सकते हो। ऊपर से नीचे स्वाइप करते क्विक एक्सेस सेटिंग्स आपको देखने मिलते हैं, नीचे से ऊपर स्वाइप करते यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन पैनल देखने मिलेगा राइट हैंड साइड पे। यहाँ पे उन्होंने ढेर सारे विजेट्स प्रोवाइड किए, हेल्थ ट्रैकिंग पैरामीटर्स के, म्यूजिक कंट्रोल आपको देखने मिलता है, वेदर फोकस्ड एंड गेम्स भी। राइट हैंड साइड में स्वाइप करते हैं, यहाँ पे मेन मेन्यू जहाँ पे सबसे पहले ट्रेनिंग का ऑप्शन है एंड यस यहाँ पे आपको 70 वर्कआउट मोड्स इसके अंदर देखने मिलते हैं। यूआई वाला पार्ट आप देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ यहाँ पे आपको फील होता है। फिर नीचे की तरफ यहाँ पे स्टेटस है, आपने कितने स्टेप्स लिए, कितने कैलोरीज बर्न किए एंड फिर यहाँ पे फोन कॉल, हार्ट रेट, SPO2, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, वेदर फोकस्ड, म्यूजिक कंट्रोल, अलार्म्स हो गए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो गए, स्ट्रेस मॉनिटरिंग भी आपको देखने मिलता है एंड यहाँ पे उन्होंने गेम्स का भी ऑप्शन प्रोवाइड किया। AI वॉइस असिस्टेंट का फीचर आपको देखने मिलता है एंड फंक्शंस में यहाँ पे आप स्टॉप वॉच, टाइमर, फ्लैशलाइट, कैलकुलेटर का भी ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने मिलता है एंड फाइनली यहाँ पे उन्होंने सेटिंग्स का भी ऑप्शन प्रोवाइड किया है, जहाँ से आप थीम हो गई, ब्राइटनेस हो गई, वो सेट कर सकते हो एंड यहाँ पे पासवर्ड भी सेट कर सकते हो। सो गाइज UI वाला पार्ट है ना, काफी इंटरेस्टिंग आपको देखने मिलता है इस पर्टिकुलर स्मार्ट वॉच में। गाइज नोटिफिकेशंस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि गाइज जैसी SMS मुझे रिसीव होता है ना, यहाँ पे मैं इनिशियल कुछ वर्ड्स ही देख पाता हूँ, कंप्लीट SMS में स्मार्ट वॉच के ऊपर रीड नहीं कर सकता, उसके लिए मुझे फ़ोन ही ओपन करना पड़ेगा एंड यस यहाँ पे हिंदी SMS का भी अनफॉर्चुनेटली आपको सपोर्ट देखने नहीं मिलता है। SMS क्विकली रिफ्लेक्ट हो जाता है बट आप पढ़ नहीं सकते, हिंदी SMS का सपोर्ट दिया होता तो बेटर हो सकता था। एंड यस इस स्मार्ट वॉच के अंदर आपको मैसिव 300 mAh की बैटरी देखने मिलती है। ब्लूटूथ कॉलिंग के साथ है ना, आप 2 दिन तक इसे यूज़ कर सकते हो, विदाउट ब्लूटूथ कॉलिंग आप 4 से 5 दिन इसे यूज़ कर सकते हो। सो बैटरी लाइफ वाला पार्ट है ना डिसेंट निकल के आता है। मेरे हिसाब से इतने बल्कि स्मार्ट वॉच की बैटरी लाइफ थोड़ी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए थी। एंड गाइस फायरबोल्ट के स्मार्ट वॉच होने के बावजूद यहाँ पे उन्होंने दाफिट एप्लीकेशन का सपोर्ट नहीं प्रोवाइड किया है, ऑल न्यू ग्लोरी फिट एप्लीकेशन आपको देखने मिलता है। सो यहाँ पे हम देखते हैं इन शॉर्ट इसके एप्लीकेशन की UI को। सो गाइस ये है ग्लोरी फिट एप्लीकेशन एंड सबसे पहले यहाँ पे आपको हेल्थ ट्रैकिंग पैरामीटर्स के डिफरेंट विजिट्स देखने मिलते हैं एंड यस यहाँ पे हमने आउटडोर वॉकिंग किया था। आउटडोर वॉकिंग की आप देख सकते हो काफी डिटेल में इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं एंड यहाँ पे उन्होंने हार्ट रेट भी प्रोवाइड किया है चार्ट फॉर्म में। उसी के साथ यहाँ पे नेक्स्ट मेन्यू में आप डायरेक्टली ट्रिगर कर सकते हो स्पोर्ट्स मोड को एप्लीकेशन की हेल्प से। डिवाइस में जाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो बैटरी लाइफ आपको देखने मिलती है, स्मार्ट वॉच यहाँ पे कनेक्टेड है एंड यस यहाँ पे ब्लूटूथ कॉलिंग विद वॉच का एक फीचर आपको देखने मिलता है, जिसे आप एनेबल कर सकते हो, कॉन्टैक्ट्स को सिंक कर सकते हो, ऑनलाइन वॉच फेसेस भी देखने मिलते हैं एंड यहाँ पे उन्होंने ढेर सारे ऑनलाइन वॉच फेसेस प्रोवाइड किए। डायरेक्टली आप डाउनलोड करके इन्हें सिंक भी कर सकते हो। माई डायल का ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने मिलता है एंड कस्टमाइजेबल वॉच फेस भी यहाँ पे आप सेट कर सकते हो एंड नीचे की तरफ यहाँ पे कंटिन्यूस हार्ट रेट मॉनिटरिंग, SPO2 मॉनिटरिंग, स्ट्रेस मॉनिटरिंग, कॉल, SMS के रिमाइंडर्स, सेडेंटरी रिमाइंडर्स, वो सारी चीज़ें आपको देखने मिलते हैं एंड फर्मवेयर अपग्रेड का भी ऑप्शन यहाँ पे उन्होंने प्रोवाइड किया है। सो गाइस काफी बढ़िया UI आपको देखने मिलता है इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में। सो वैसे तो गाइस वीडियो में हर एक एस्पेक्ट के बारे में यहाँ पे हमने डिस्कस किया है, कुछ अच्छे भी फैक्टर्स है, कुछ ऐसे भी फैक्टर्स है जो बेटर हो सकते थे एंड यस इस स्मार्ट वॉच की जो इंट्रोडक्टरी ऑफर के तौर पर लॉन्च प्राइस है वो है 2999 एंड ये जो 2999 की प्राइस है ना बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए, शायद जब तक ये वीडियो लाइव हो जाए तब भी ये प्राइसिंग आपको नहीं मिल सकती। अगर मिल रही है तो डेफिनेटली आप स्मार्ट वॉच के लिए जा सकते हो। वैसे गाइस इसकी जो रेगुलर प्राइसिंग होने वाली है ना वो रहने वाले 3499 एंड मेरे हिसाब से इस पर्टिकुलर प्राइस ब्रैकेट पे ना AMOLED डिस्प्ले होना चाहिए था, जहाँ पे ना आपको ऑलवेज ऑन का भी फीचर मिल सकता था एंड SMS का जो क्विक रिप्लाई वाला फैक्टर है वो भी ऐड हो सकता था, या फिर हिंदी SMS का सपोर्ट दिया होता तो बेटर हो सकता था, वो सारे एस्पेक्ट्स हैं। वैसे गाइस लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर दूंगा, जरूर जाके चेकआउट कीजिए। प्लस यहाँ पे आपको व्यू प्रोडक्ट्स का एक टैब भी देखने मिलेगा, जहाँ से आप डिफरेंट फायरबोल्ट्स के प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर करके उन्हें परचेज भी कर सकते हो। सो उसे भी जरूर चेकआउट कीजिए। एंड गाइस बस यही था आज का वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही टेक रिलेटेड अनबॉक्सिंग के लिए प्लस सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट बात, प्लीज़ मेरा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज भी लाइक कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।